સાવલીના લાંછનપુરાની મહીસાગર નદીમાં ગત રવિવારની સાંજે મિત્રો સાથે નાહવા આવેલ પૈકી એક વડોદરા એમએસ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો 20 વર્ષીય યુવક મહીસાગર નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાયો હતો। ઘટના બાદ 36 કલાક બાદ ઘટના સ્થળે લાંછનપુરાથી નદીમાં 2 કિલોમીટર આગળ ભવાનીપુરા પાસેથી તણાયેલ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવતા સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી બહાર કઢાયો હતો। પોલીસે ઘટના સ્થળે આવીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। गत रविवारे मित्रों साथे सावलीना लांछनपुरा पासेथी पसार थती महीसागर नदी में नवा आवेला वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटी में अभ्यास करता मूळ धंधुकाना वतनी 20 वर्षीय आशास्पद युवान नदीना प्रवाहमां तणायो हतो। साथी मित्रोए ग्रामजनोनी मददथी शोधवानो प्रयास कर्यो हतो अने सावली पोलीसने जाण करी हती, पण अंधारू थता तपास बंद रही हती अने सोमवारे घटनास्थळे परिवारजनो आवी पहोंच्या हता अने एनडीआरएफनी मददथी दिवस दरमियान शोधखोळ हाथ धरी हती। बपोर बाद एनडीआरएफनी टीमे पण नदीमां शोधखोळ करी न मळी आवता परत फरी हती। आजे घटनाना त्रीजा दिवसे घटनास्थळथी दूर भवानीपुरा गाम पासेथी रविवारे सांजे तणाई गयेल आशास्पद युवक मोदन सादिकनो मृतदेह मंगळवारे सवारे मळी आव्यो हतो। स्थानिक तरवैयाओनी मददथी बहार कढायो अने परिवारजनोने पोलीसे घटनास्थळे आवी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती। इकबाल पठाण, लाइव गुजरात न्यूज, सावली।